السلام عليكم، गुड मॉर्निंग गणेश से हंजा से गुड मॉर्निंग। हाँ, आज देखिए माशाल्लाह धूप निकली हुई है, मौसम अच्छा। मैं सुबह उठा तो मैंने कहा, सुबह कोई 7 बजे उठा तो मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। मैंने सोचा ओ फिर हो गया, फिर तैयारी करते करते धुंध ख़त्म हो गई तो अब ये हालात है। माशाल्लाह धूप निकली हुई है, सूरज चमक रहा है और मौसम ज़बरदस्त हुआ पड़ा है। सो आज हम आगे जाएंगे गुलमित में। ये गुलमित है, वो पीछे है, ये गुलमित है, ये आगे है। सो आज हम वहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें याद रखें, हम वहाँ नगर में, अब जिला नगर में जाएंगे। वो पुल सामने आपको नज़र आ रही होगी, वो क्रॉस करके उस तरफ ज़िला नगर है, डिस्ट्रिक्ट नज़र इस तरफ ज़िला हंजा। सो इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा आप सबको। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी ये हंजा का पुल है और नगर की तरफ जा, तो वहाँ पे ये छोटा सा चश्मा है तो ऊँचा लग रहा, पानी का मार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे ख़्याल में ये अताबाद का गांव है, क्योंकि वो सामने जो है बोर्ड लगा हुआ है। और आज मज़े की धूप निकली हुई है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। सो रोड सुनसान है और हम भी सुनसान हैं रोड पे, रोड भी हमारे साथ सुनसान है। लेकिन मेरे दरिया का शुक्रिया जो अभी भी मेरे साथ साथ है, लेकिन मेरे मुखालिफ समित में जा रहा है, लेकिन है तो साथ। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, दुआ में याद रखें, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये देखें बहुत ही माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है, तो मैंने सोचा यहाँ की क्यों ना वीडियो बना दूं। आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद से आगे है, जो पीछे था वो अताबाद नहीं था, वो अहमदाबाद था। मैंने सोचा कि अताबाद है। एनीवे आगे जो टनल भी आएंगे इससे, और माशाल्लाह देखें बहुत प्यारी जगह है। सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना लूं। ओके जी, खुदा में याद रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें अपने लिए, दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जो सफ़र में हैं उन सब के लिए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो हमें याद रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये देखें बहुत ही माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है, तो मैंने सोचा यहाँ की क्यों ना वीडियो बना दूं। आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद से आगे है, जो पीछे था वो अताबाद नहीं था, वो अहमदाबाद था। मैंने सोचा कि अताबाद है। एनीवे आगे जो टनल भी आएंगे इससे, और माशाल्लाह देखें बहुत प्यारी जगह है। सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना लूं। ओके जी, खुदा में याद रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें अपने लिए, दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जो सफ़र में हैं उन सब के लिए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।
वेलकम टू आताबाद लेक एंड टनल। हाँ, आगे टनल है मेरे ख्याल में, जो मैं पहले बता चुका हूँ। आगे एक टनल नहीं, चार पांच टनल होगी, पहले कभी नहीं आया शायद। और पीछे जो था, हमने अहमदाबाद को आताबाद समझ लिया था, तो वो अहमदाबाद था, उसके बाद आताबाद है, उसके बाद आएगा गुलमत, और गुलमत में हम रात गुजारेंगे, स्टे करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, याद रखें हमें दुआओं में। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। ये पहला टनल है, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ। सो ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हद रफ्तार टनल के स्पेशन है। ये है पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर 1। गाँव मुल्तान में भाई, किस जगह यार? अच्छा अच्छा क्या करते हैं? अच्छा अच्छा ओह अच्छा ही लव मैरिज है। गुड, सही, मुल्तान की गुड़ी फंसा ली है। अब जो पीछे टनल थे उस पर लाइट नहीं लगी हुई थी, और मैं ऐसे चला बिना इसके मोबाइल पे, तो इतना अंधेरा हो गया, मैं मुझे लाइट चलानी पड़ी। अब ये बड़े टनल है मेरे ख्याल में, ये टनल छोटा है। अच्छा, ये छोटा है, इससे आगे वाला जो है ना, उसमें सफर ज़्यादा, वो बहुत बड़ा लंबा है, बहुत सही। उससे आगे फिर इस तरह छोटा है, उससे आगे फिर इस तरह छोटा है। सही सही, मतलब जो ये इससे आगे आने वाला है वो लंबा है, वो 3-4 किलोमीटर का है यार। कुछ तो होगा, क्योंकि गाड़ी उसमें 6-7-8 मिनट सफ़र करता है। ठीक है, 6-7-8 मिनट, मतलब हमें आधा घंटा लग जाएगा। इस तरह लग जाएगा, सामने आना जाए ना। हाँ, मतलब ख़त्म हो गया ये। सामने सही सही, और जो सीनियर है इधर। अच्छा अच्छा, इधर ही आए थे, रात यहीं पे स्टे करते हैं, यहीं घर जो बने हुए, ये जो बना हुआ साथ। अच्छा, पैदल जाने का वैसे अलाउ नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, पैदल जाने के लिए हम अलाउ किसी को नहीं करते हैं, ना जाने देते। सही है जी, मेहरबानी, शुक्रिया, मुझे तो जाने दे रहे। बस ये बात है, जो जानवर वानवर होता है, हाँ हाँ, उनको अंदर नहीं छोड़ते। सही, बाकी जो पैदल जाते हैं उनको नहीं छोड़ते, जो साइकिल पर जाते हैं उनको नहीं छोड़ते। इससे पहले खुंजराब तक एक लड़का आया था साइकिल पे, उसे छोड़ दिया होगा शायद। किधर तक आया था? वो कराची से निकला था खुंजराब, हो सकता है इस तरह। हाँ, जैसे मैं इजाज़त लेके निकला हूँ, वैसे वो भी निकला होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरे ख्याल में है वो झील, आताबाद झील, वो जो लंबा टनल है हमने क्रॉस कर लिया। अब हम आगे जाना है, तो उस टनल पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें सामने वाले टनल पे जाना है। सो देखते हैं क्या बनता है, वहाँ इजाज़त मिलती है कि नहीं। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमने ये जो छोटा सा टनल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लास्ट वाला टनल है, कोई 200 मीटर का होगा, 200 मीटर का होगा। पीछे जो दो टनल हैं, एक जो है वो
एक है कोई 4.5 मीटर किलोमीटर का, दूसरा है 3 किलोमीटर का ऐसे कोई, 2-2.5 किलोमीटर का, फिर 2 छोटे टनल है, टोटल 4 टनल है मेरे ख्याल में। और अभी हम आगे जा रहे हैं, ये अहताबाद झील है और लोग घूम रहे हैं। हम पहुंच जाएंगे आज गुलमत में या उससे आगे रुकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सच बताऊं मैं, जो बड़ा टनल है उनसे मना किया गया कि पैदल ना जाएं, बहुत कोशिश करने के बावजूद वो माने, ने कहा कि अब वीडियो नहीं बनाएंगे तब हम जाने देंगे। सो मैंने ज़्यादा वो नहीं की, वीडियो नहीं बनाई मैंने, इनका कोई बात नहीं, पैदल तो जाने देंगे, मेरा रिकॉर्ड तो ख़राब ना करें। नहीं वह छोटा जो टनल था उनसे गुजरने दिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आज बना ले, क्योंकि बड़े टनल में कैमरे लगे हुए हैं और वो देखते हैं पीछे। सो उनकी गाड़ी आ जाती अगर मैं वहाँ से वीडियो बनाता हूँ या वो। सो इंशाल्लाह गुलमर्ग में जाके ये बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे फिर इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। वो सामने आपको झील नज़र आ रही होगी और ये ज़बरदस्त था, मैंने कहा थोड़ी ये वीडियो बना लूँ। ये शिशकट गांव है, छोटी सी बस्ती है। सो यहाँ का जो नज़ारा है ये आप खुद ही देख ले माशाल्लाह। सो हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के, क्योंकि मेमोरी तो है नहीं। अस्सलामु अलैकुम। ये पुल है जो गुलमत से पहले आती है, गुलमत, मैं बता दूं आपको, ये गुलमत से पहले आती है, गुलमत से नहीं, ये गुलमत है वो नगर में, हंजा के चेक पोस्ट में दाखिल हो तो पुल से पहले वो गुलमत है, जहाँ मैंने रात भी गुजारी। ये गुलमत है, गुल एंड गुल। सो आप याद रखिएगा ताकि बाद में मुझे भी परेशानी ना हो आपको बताने में। इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे आप सबको, हमें भी दुआओं में याद रखें, आप अपनी फैमिली को भी, सारे सफ़र सफ़र करने वालों में। देख सकते हैं ये माशाल्लाह। सो हम चलते हैं इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। गुलमत तभी नहीं आया, अगला गांव है, वहाँ पहुँच के हम इंशाल्लाह लास्ट वीडियो बनाएंगे। खुदा हाफिज़।